LSDDAV पब्लिक स्कूल पिलखुआ के 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं ने शिक्षा जगत में लहराया परचम। जनपद हापुड़ के पिलखुआ में LSDDAV पब्लिक स्कूल पिलखुआ के सभी विद्यार्थियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए DAV विद्यालय के साथ साथ पिलखुआ नगर जनपद हापुड़ का नाम रोशन करके सभी को गौरवान्वित किया। विद्यालय के 12वीं के टॉपर्स रहे हैं कुश अग्रवाल 97.2 प्रथम स्थान, जतिन तंवर 96.8 द्वितीय स्थान, स्मृता चौहान 96.2 तृतीय स्थान। 10वीं क्लास के टॉपर्स रहे प्रियांशु पुंडीर 98.2 प्रथम स्थान, रचित शर्मा 94.8 द्वितीय स्थान, कान्हा अग्रवाल 94.8 द्वितीय स्थान, ख्याति सिंगल 94 तृतीय स्थान। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विंध्य शक्ति ने सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। LSDDAV पब्लिक स्कूल पिलखुआ के 12वीं के छात्र कुश अग्रवाल ने कड़ी मेहनत से 97.2% अंक प्राप्त किए हैं। उनका कहना है कि इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता और अध्यापकों को जाता है, उनकी मेहनत के कारण इतने मार्क्स पा सका। ग्रेजुएशन करने के बाद कुश अग्रवाल का सपना सिविल सर्वेंट बनने का है। मॉर्निंग टू ऑल, मेरा नाम जतिन तंवर है, मैं एक ECB का स्टूडेंट हूँ और मेरे इस बार CBSE बोर्ड रिजल्ट में 96.8% आए हैं और मैं इस सब का श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, और अपने पेरेंट्स और प्रिंसिपल सर, और मैं बड़ा आगे न्यूरोसर्जन बनना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स ऑफ DAV, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रैंड वेलकम इन DAV पब्लिक स्कूल। हम सब पूरा DAV परिवार आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता है। आप अपने जीवन में और आगे बढ़ें और आपका भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल हो, इस सब की कामना के साथ हृदय की अनंत गहराइयों से आपको असीम शुभकामनाएं। सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कुश अग्रवाल है, मैं LSDDAV पब्लिक स्कूल पिलखुआ का स्टूडेंट हूं और इस साल CBSE के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में मेरे 97.2% मार्क्स आए हैं, जिसका श्रेय पूरी तरह से मेरे माता पिता और मेरे अध्यापकों को जाता है, जिनकी मेहनत की वजह से मैं इतने मार्क्स स्कोर कर पाया। मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे जरूरी है कि जो हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है हम उसको अच्छे से पढ़ें, प्रॉपर रिविजन करें और प्रैक्टिस करें बहुत सारी, ये सबसे जरूरी है, इट इज द की टू सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। आगे के लिए मैंने सोचा है कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा अपनी फील्ड में और इसके साथ मेरा सपना है सिविल सर्वेंट बनने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम स्मृता चौहान है और मैं LSDDAV पब्लिक स्कूल पिलखुआ की स्टूडेंट हूँ। मेरे इस साल CBSE क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में 96.6% मार्क्स आए हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माय टीचर्स एंड माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से मेरे इतने मार्क्स आ पाए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मार्क्स स्कोर करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं। वही क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं? I want to be an IAS officer. मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, मेरा नाम केशव गर्ग है और मेरे इस साल 12 CBSE 12 बोर्ड में 90% मार्क्स आए हैं एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इतने मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है और रोजाना पढ़ना है, भले ही थोड़ा सा बट लेकिन रोजाना। माई नेम इज अभिषेक एंड माय CBSE स्कोर इज 90%। माय की टू सक्सेस वाज द कंसिस्टेंसी इन स्टडीज, सो आई वुड लाइक टू से बी कंसिस्टेंट एंड स्टडी मोर एवरी डे। मेरा नाम वासु सिंगल है, इस बार 12th बोर्ड में मेरे 96% आए हैं। मैं सबका श्रेय अपने माता पिता और टीचर्स को देना चाहूंगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जिससे हमें आइडिया होगा पेपर का, यही मेरी सक्सेस का राज है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम भूमिका है और इस बार मेरे CBSE ह्यूमैनिटीज रिजल्ट में 92.2% और इसका सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को जाता है। प्रदीप कुमार गुप्ता, लाला शंभुजाल देवी पब्लिक स्कूल में मैं वाइस चेयरमैन पद पर हूँ। सभी बच्चों को देख के जो हमारे बहुत आगे बढ़ रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा। अभी सर मेरे को एक पुस्तक दिखा रहे थे कि जिसके अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री रहे या हमारे बड़ी बड़ी हस्ती रही वो सब DAV से पढ़े हुए छात्र रहे, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या कोई अलग, इतने
आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अपने आप को ये समझेंगे कि हमें आगे बढ़ना है। हमें कमल के फूल वाली बात की, आपको गंदगी में मिट्टी में रहना है लेकिन इस मिट्टी में से आपको अपने आप को आगे लेके जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको हृदय से अपना शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। Thank you.